विश्व भर में महिलाओं के मान सम्मान को बरकरार रखने और समाज की महिलाओं को अधिकार की रक्षा के लिए जागरूकता के उद्देश्य से आज मुहिम का आगाज विश्व स्तर पर सैयद शाहीन चिश्ती ने अजमेर से किया। चिश्ती ने महिलाओं के संदर्भ में एक किताब द ग्रैंड डॉटर प्रोजेक्ट लिखी। क्योंकि यहीं मेरी पैदाइश हुई, यहीं मेरा जन्म हुआ और यहीं से मुझे मैसेज लेके आगे बढ़ना है। वैसे अच्छी जगह कहीं नहीं है क्योंकि सारे रिलीजन के लिए खुली हुई है। यहाँ पर हिंदू भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं, सिख भी आते हैं और यहाँ 800 साल से हमारी है और हमारी जो मैसेज है वो बहुत बहुत बढ़िया है। एक हर किसी से मोहब्बत, किसी से नफरत नहीं, तो यही हमारा मैसेज है दुनिया के अंदर। यही हम चाहते हैं कि हर जगह शांति रहे, हर जगह प्यार रहे, हर जगह कॉमर्स बढ़े, हर जगह स्त्री को सही मिले उनका अधिकार और वो आगे बढ़े। 35% हैज़ टू बी फॉर वीमेन, हैज़ टू बी फॉर वीमेन एंड हैज़ टू बी फॉर द वीमेन। ये यही कहना चाहते हैं कि जो हमारी बच्चियां हैं वो आगे बढ़े, या वो मुस्लिम कम्युनिटी से हों या हिंदू कम्युनिटी से हों या सिख कम्युनिटी से हों, उनको आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए और उनकी जो शादियाँ जल्दी कर दी जाती हैं उन्हें बंद किया जाए। हमें साइंटिस्ट चाहिए, हमें इकोनॉमिस्ट चाहिए, हमें टीचर्स चाहिए, हमें फाइटर्स चाहिए, हमें हर चीज़ में लड़की को लेके चलना आगे, क्योंकि ये कब तक चलेगा कि हमारी जो लड़कियां हैं वो आधी हमारी सोसाइटी है उसको हम इग्नोर कर रहे हैं। ये स्टॉप होना चाहिए। आप ये बताइए कि महिलाओं को लेकर कई बड़ी-बड़ी योजनाएं भी आती हैं, कई चीज़ें अपने किताब कितने वक्त में बनाई? ये 2.5 साल लगे मुझे किताब लिखने के अंदर और ये मैं शुक्रगुजार हूँ मेरी बेटियों का जिन्होंने मुझे अलाउ किया, टाइम दिया मेरे को इतना कि मैं लिख सका इस किताब को। और इसको 2.5 साल लगे मुझे लिखने के लिए। और कहाँ से प्रेरणा मिली? ये प्रेरणा मुझे राजस्थान से मिली। इस बात का मुझे फ़ख्र है क्योंकि जो हमारी औरतें हैं जो मटका उठा के पानी भरने जाती थी बचपन में, 20-20 किलोमीटर चलती हैं अपने परिवार के लिए पानी भरती हैं, उसी से प्रेरणा मेरे में जागी कि ये औरतें बहुत सेक्रीफाइस करती हैं। और बाद में मैंने ये भी सीखा जाके ज़िंदगी में कि औरत ज़्यादा सेक्रीफाइस करती है आदमी से। आपका पूरा नाम? पूरा नाम सही है, शाहीन चिश्ती।